हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जो मेरी अभी पूजा है वो हो चुकी है और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। आज मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस है ले लिए, यहाँ पर मैंने लिया ड्राई मैंगो पाउडर, नमक, हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर, हरा धनिया, गरम मसाला। इसके साथ ही मैंने कोरिएंडर लीव्स भी ले लिए जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आलू लिया है जिसे मैंने पील कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। जब मेरा आलू जो है अच्छे से मैश हो गया तो उसमें मैंने सारे जो स्पाइसेस थे वो डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने एक डोंगे में थोड़ा सा ग्रेटेड प्याज, हींग और नमक ले लिया है। मैं इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच या फिर आधी कटोरी बेसन डालूंगी। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिलाकर एक इसका बैटर तैयार कर लूँगी। आप जितना बेसन डालते हैं उतना ही आप पानी डालेंगे तो जो घोल है एक अच्छा सा घोल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए जो पूरी प्रिपरेशन थी वो हो गई है और अब मैं ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू करूँगी। मैं ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए जो इसको डीप फ्राई करूँगी उसके लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में हुआ जो बना हुआ ब्रेड पकौड़ा होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरी फैमिली को, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। और जब ब्रेड पकौड़ा को आप डालते हैं, ब्रेड पकौड़ा एक तरफ से अच्छे से सिक जाता है तो आप पलट के उसको दूसरे साइड से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है और मैंने ब्रेड पकौड़ा के साथ जो है टोमेटो केचप रखा है और चाय बनाई है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैंने किचन क्लीन कर दिया था और जो भी ब्रेकफास्ट के बर्तन हो गए थे उन्हें भी साफ़ करके रख दिया है। इसके बाद मैंने अभी के लिए दूध बना दिया है और अभी को दूध दे दिया है। अभी दूध पीने के बाद जो है उठ जाएगा, उसकी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। और इस वाले रूम में जो है बहुत ज़्यादा सनलाइट आती तो मैंने कर्टिन के साथ एक ये बेड शीट लगा दी जिससे कि थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा रह रहा है। और इसके बाद जब अभी उठ गया था तो मैंने उसकी सारी बॉटल जो है धुल के स्टरलाइज करके रख दी है और साथ ही पानी की बॉटल भी भर के रख ली है। और अभी जब उठता है तो उसके साथ ही उठने के बाद जो है वो फ्रेश हो जाता है और उसके बाद मैं उसको ब्रश करा देती हूँ। ब्रश ना उसको बहुत पसंद है, एक बार मैं उसको खुद से ब्रश करा देती हूँ और फिर वो अपने आप करता है। और यहाँ पे वो ब्रश करते हुए पूरे घर में घूम रहा है और मैं उसको कैमरा दिखा रही हूँ तो वो जान रहा है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें कैमरे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर जब अभी ब्रश कर लेगा तो मैं उसका फेस वॉश कर दूँगी, क्रीम लगा दूँगी और एक बार जो उसके हेयर कॉम कर दूँगी। तो यहाँ पर जो अभी है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अभी जब तैयार हो जाता है तो थोड़ी बहुत देर खेलता है, कई बार वो लैपटॉप पे पोएम वगैरह देखता है और अपने टॉयज से खेलता है। पोएम सुना दो। पूरे सुना दो। कैसे? हा हा हा। कैसे? जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अ लाइ, ओपन योर माउथ। मेरी गुड़िया की वजह से आजकल कोई भी रोड पर नहीं दिख रहा है, रोड एकदम खाली लग रही है। और यहाँ पर इस सोसाइटी में सिलेंडर वाला आया है सिलेंडर डिलीवरी के लिए और अब मैं जा रही हूँ अभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने है। तो आज मैं अभी को ब्रेकफास्ट मखाने दूंगी फ्राई करके। अभी को जो है मखाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था। उसके बाद मैं थोड़े से मखाने डाल दूंगी, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अभी जो है उसको मखाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो जो हम लोग ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो अभी को दे देते हैं, वो ब्रेड पकौड़ा अभी नहीं खाएगा, इसलिए जो है मैं उसके लिए ये मखाने फ्राई कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं उसके लिए जूस बनाऊँगी फ्रेश फ्रूट का। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज ले लिए, तो मैंने ऑरेंज को इस तरह से कट कर दिया है जैसे कि उसके जो बीज वगैरह हैं उनको मैं निकाल दूँ क्योंकि जो बीज का एक बहुत ही कड़वापन जूस में आ जाता है। इसके साथ ही मैंने थोड़े से ग्रेप्स भी डाल दिए हैं और अभी को जो है जूस पीना पसंद है, वो इस तरह से पूरा ऑरेंज सही से खा भी नहीं पाता है तो हम उसको फ्रेश जूस बना कर दे देते हैं। और कई बार हम लोग मैं उसको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स दे देती हूँ तो वो भी वो खा लेता है। तो अभी को जो है ये ऑरेंज जूस काफ़ी ज़्यादा पसंद है।
पापा जो अभी का ब्रेकफास्ट है वो बनकर तैयार हो गया है, तो अभी जो है अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। और इसके साथ ही जो मेरा ये आज का व्लॉग है इसको भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। और अगर आपको ये मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे फिर से मिलूँगी एक अच्छे और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।